केंद्र शासित प्रदेश है। नया लद्दाख बनने से वहां कितनी खुशी है और कितना गम है। वहां से धारा 370 हटाए जाने के बाद पहली बार टीवी पर हम आपको 15,000 फीट ऊंची देशभक्ति की जमीन से देशवासियों की गर्व से भरा देने वाली एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। आन देश की शान देश की है हम संतान है, तीन रंगों से रंग तिरंगा अपनी ये पहचान। जिस लद्दाख की गूंज संसद में सुनाई थी, तुमने आज बहुत जोश के साथ हमारे सांसद ने भाषण दिया, मैं उसको बधाई देना चाहता हूं। सारे ऐतिहासिक तथ्य लद्दाख की जनता के इनके सामने रखा, सदन के सामने रखा, देश के सामने रखा। इनकी भावनाओं को हम नहीं सुनेंगे, कब तक हम सुना करेंगे? बहुत लंबे समय तक हम सुना नहीं कर पाएंगे। जिस लद्दाख को पीएम मोदी ने सम्मान दिया, लद्दाख और करगिल की डेवलपमेंट काउंसिल के सहयोग से केंद्र सरकार विकास की तमाम योजनाओं का लाभ अब और तेजी से पहुंचाएगी। लद्दाख में स्पिरिचुअल टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म और इको टूरिज्म का सबसे बड़ा केंद्र बनने की क्षमता है। जिस लद्दाख को सांसद ने सिरमौर बताया, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, देश के लिए प्यार है तो जताया करो, किसी का इंतजार मत करो, गर्व से बोलो जय हिंद, अभिमान से कहो भारतीय है हम, स्वाभिमान से कहो भारत माता की जय। उसी लद्दाख में आपका स्वागत है। धारा 370 के खत्म होने और नया संघ शासित प्रदेश बनने के बाद कैसा दिखता है नया लद्दाख? नए लद्दाख के बारे में क्या सोचते हैं वहां के लोग और कैसे पूरा हुआ नए लद्दाख का सपना? इंडिया न्यूज आज आपको हिमालय की गोद में बसी इस जन्नत में लेकर आया है। इस रिपोर्ट को देखकर आपको लगेगा कि वाकई ये लद्दाख का अनदेखा अनसुना सच है। कौन कहता है आसमां में छेद नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ, ये कहावत लद्दाख के लिए बिल्कुल सटीक बैठती है। यहाँ के लोग एक लंबे समय से मांग कर रहे थे कि लद्दाख को केंद्र शासित राज्य का दर्जा दिया जाए। चाहे कोई भी समुदाय हो, मुस्लिम हो, बुद्ध हो या ईसाई हो, वो तमाम लोग मिलकर संघर्ष कर रहे थे और उनका संघर्ष दशकों तक चला और वो खत्म हुआ 5 अगस्त 2019 को, जब केंद्र की सरकार ने लद्दाख को केंद्र शासित राज्य घोषित किया। लद्दाख के उत्तर में चीन और पूरब में तिब्बत की सीमा है। हिमालय और कराकोरम पहाड़ों के बीच बसी ये जगह इतनी खूबसूरत है, जिसे एक बार निहारें तो बार बार आंखें वहीं ठहर जाती हैं। चलिए लद्दाख दर्शन की शुरुआत लेह के मशहूर बाजार से करते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा है कि लद्दाख का एक नया जन्म हुआ है जब से अनुच्छेद 370 को हटा दिया गया और लद्दाख को उन्होंने यूनियन टेरिटरी, जिसका मतलब है केंद्र शासित राज्य, घोषित कर दिया। इस समय हम लेह की सबसे जो फेमस मार्केट है लेह सिटी, वहां पर मौजूद है। सबसे पहले आपको यहाँ पे नजारा दिखाएंगे। आप देख सकते हैं जो तमाम जो लोग हैं, ना सिर्फ लोकल बल्कि जो बाहर से लोग टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं वो भी हैं, और पूरी जो आवाजाही है बिल्कुल नॉर्मल है, किसी तरह की यहाँ पर डिस्टर्बेंस नहीं हो रही है। कुछ लोग इसी बीच हमारे साथ हैं जो लोकल्स हैं, उनसे सीधा जानते हैं कि आखिर वो किस तरह से इस फैसले को देखते हैं जो ये सरकार ने लिया है। आप कैसे देखते हैं सबसे पहले तो इस सरकार के फैसले को कि इसको यूटी घोषित करना? मेरे सबसे ये लद्दाख के तमाम पब्लिक, तमाम लोग 20-25 साल से डिमांड कर रहे थे, तो हमें खुशी है कि प्रधानमंत्री मोदी साहब की हुकूमत में लद्दाख को पहला बार बगैर कोई एजिटेशन करते हुए ये यूटी स्टेटस लद्दाख को दिया गया। ये लद्दाख के अवाम, तमाम अवाम, जास्कर से लेकर कारगिल से लेके चांगथांग, नुब्रा, सब पब्लिक खुश है। हमें खुशी है आने वाले दिनों में लद्दाख में डेवलपमेंट अच्छा होगा, पहले से अच्छा दुगना तरक्की करेंगे। जब यहाँ पे 370 धारा हटाया गया है, यहाँ के लोग बहुत खुश हैं। उनकी ये काफी अरसे से डिमांड थी। हम लोग यहाँ पे पिछले 21 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अभी सभी को ये आशा है कि लद्दाख की डेवलपमेंट और बढ़ेगी, और जो थोड़ा सा इस एरिया को, क्योंकि ये साल में 6 महीने कट जाता है मेनलैंड इंडिया से,
तो उम्मीद है कि अभी यहाँ पे तरक्की होगी, इंडस्ट्री आएगी, लोग खुश हैं। लेह के बाद हम लद्दाख की चोटी की तरफ बढ़े। हेमिस मोनेस्ट्री की सीमा में हम पहुंच चुके हैं और मेरे पीछे जो आप ब्रिज देख सकते हैं, यहां से शुरू होती है हेमिस मोनेस्ट्री की सीमा। करीब 5 किलोमीटर दूर यहां से है हेमिस मोनेस्ट्री, जिसे देखने देश विदेश से पर्यटक आते हैं। और आपकी स्क्रीन पर जो आप ये पहाड़ियां देख रहे हैं, ऊंची ऊंची पहाड़ियां, इन पहाड़ियों के बीच में बसी है वो 400 साल पुरानी हेमिस मोनेस्ट्री। लेह से लद्दाख रास्ते में ऐसा लग रहा था कि कदम कदम पर यहाँ आसमान से पहाड़ों का मिलन हो रहा है। ऐसी ही वादियों से गुजरते हमारे संवाददाता 15,000 फीट की ऊंचाई पर हेमिस बौद्ध मठ में पहुंचे। एक ऐसी जगह जहाँ पहाड़ और आसमान का मिलन होता है, करीब 15,000 फीट की ऊंचाई पर और लेह सिटी से 35 किलोमीटर दूर। हम बात कर रहे हैं हेमिस मोनेस्ट्री की। ये ऐसी मोनेस्ट्री है जो देश विदेश में फेमस है। अपने आप में इसका एक अलग ही सौंदर्य है। सबसे पहले आपको मैं अपने लेफ्ट साइड पर नजारा दिखा दूं, किस तरह से एक बेहद शानदार प्रतिमा बनी है महात्मा बुद्ध की। उसके पीछे जो ये पहाड़ है, किस तरह से पहाड़ और आसमान का मिलन हो रहा है, और ये नजारा इस मोनेस्ट्री के चारों तरफ आपको देखने मिलेगा। इतनी नजदीक यहाँ पर पहाड़ है आसमान के, ऐसा लगता है कि एक दूसरे से लगातार बातचीत कर रहे हैं। और अब जो नजारा आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये है हेमिस मोनेस्ट्री जो 400 साल पुरानी है। 400 साल पुराना इसका इतिहास है। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है, उसके बीच में बसी है ये हेमिस मोनेस्ट्री। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको आपकी स्क्रीन पर मैं दिखा दूं, जो आपको ये चट्टाने दिख रही हैं आपकी स्क्रीन पर, इसको देख के आपको शायद ऐसा लगे कि ये जो मोनेस्ट्री है इन पर कभी भी ये चट्टाने गिर सकती हैं, क्योंकि जब जहां पर मैं खड़ा हूं वहां से मुझे भी लग रहा है कि ये चट्टाने बिल्कुल थोड़ी सी अटकी हुई है, थोड़ा भी झटका लगेगा तो शायद ये नीचे मोनेस्ट्री के ऊपर आ गिरेंगी। लेकिन अद्भुत चीज ये है कि 400 साल पहले से ये चट्टाने ऐसी ही हैं और ये मोनेस्ट्रियां फल फूल रही है। हेमिस बौद्ध मठ जितना बाहर से भव्य है उतना ही अंदर से भी खूबसूरत है। हमारे संवाददाता जब अंदर गए तो वहाँ कई विदेशी श्रद्धालु दिखे। हमने यहाँ बौद्ध लामा से बात भी की। अद्भुतता का और शांति का एहसास आपको होता है जब आप 15,000 फीट की ऊंचाई पर हेमिस मोनेस्ट्री में आते हैं। ये मोनेस्ट्री एक पहाड़ी के टॉप पर है और इसका जो नजारा है वो अपने आप में अद्भुत है। ना सिर्फ जब आप यहाँ पहुंचते हैं बल्कि जो यहाँ आने का रास्ता है, उस रास्ते में जब आप आते हैं तो एक अद्भुतता का आपको एहसास होता है। इस समय हम मोनेस्ट्री के अंदर हैं, आपको दिखा दूं मेरे पीछे का नजारा। सबसे पहले तो यहाँ पर इतनी शांति है, आप देख सकते हैं बुद्धा का जो ये स्टैचू आपके सामने, अपने आप में ही एक शानदार व्यू देता है। और इतनी शांति है यहाँ पे, इतना पीसफुल है यहाँ पे कि अगर आप सांस भी लेते हैं तो वो भी लगता है कि शायद वो डिस्टर्बेंस पैदा कर रही है। अपने आप में एक अद्भुत नजारा है इस मोनेस्ट्री का। ये फेमस मोनेस्ट्री है, रिचेस्ट मोनेस्ट्री है, और जिस तरह से कल्चर और ट्रेडिशन को प्रिजर्व करती है वो अपने आप में एक सराहनीय चीज है। तो जो लोग लद्दाख में आते हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ आए बिना उनका लद्दाख का जो ट्रिप है वो कंप्लीट होगा। और यही कारण है कि जो हमारे पड़ोसी देश है, खासतौर पर चाइना, इन मोनेस्ट्री के कारण अपनी नजरें यहाँ पर गड़ाए बैठा है। लॉर्ड बुद्धा जी का मूर्तियां होगा तकरीबन इतना साल पुराना, जो कहीं नहीं है आपको देखने के लिए, और ऐसा चीजें बहुत सारे यहाँ पे है। तो ये सारे धर्म प्रोटेक्टर की ब्लेसिंग है जी। हाँ जी, एक तरफ से आप लोग जब आप लोग मोनेस्ट्री आते समय आप लोग देखने से आप लोगों को फील होता है, क्योंकि काफी लोग आके मुझे पूछा भी था, मतलब सब कुछ ठीक है आप लोगों का, म्यूजियम मोनेस्ट्री में कोई कमी नहीं है। बौद्ध मठ में आए सैलानी और श्रद्धालुओं से हमने पूछा कि मोदी सरकार का लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाने का ये फैसला कैसा है, तो हर किसी ने नए लद्दाख का स्वागत किया। सिंधु नदी को लद्दाख की जीवन रेखा कहा जाता है। हिमालय की तराई में लद्दाख की इस कलकल रीढ़ को आंखों में बसाए हम आगे बढ़ रहे थे, तभी सिंधु और सास्कर नदी का संगम दिखा। अगर आप लद्दाख में हैं तो शायद ही इस जगह पे ना आए जो लेह से करीब 28 किलोमीटर दूर है जब आप श्रीनगर की तरफ जाते हैं, और ये वो जगह है जिसे तमाम लोग संगम वैली के नाम से जानते हैं। मेरे पीछे वो वैली है और वो जगह है जहां पर दो नदियों का संगम होता है। एक है सिंधु नदी जो एशिया की सबसे बड़ी नदी है। आपकी स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं ये सिंधु नदी है, हालांकि इसका कलर जो है वो ग्रीन रहता है लेकिन बरसात के कारण इसका कलर मिट्टी के रंग का हो गया है। और दूसरी तरफ अगर आप दूर से देखें तो जो नदी आ रही है वो जांस्कर नदी है, और ये वो जगह है
जहां पानी राइट की तरफ जा रहा है यहां पे दोनों नदियां मिलती हैं और गिलगित बाल्टिस्तान जो पाकिस्तान में है वहां से गुजरती हुई अरब सागर में समाहित हो जाती है। आपको बता दूं ये वो जगह है जो सबसे ऊंचा पॉइंट है राफ्टिंग के लिए, राफ्टिंग का सबसे ऊंचा पॉइंट ही माना जाता है। आप देख सकते हैं अभी अभी लोग राफ्टिंग खत्म करके यहां पर पहुंचे हैं और ये जगह ऐसी है जहां पर अगर आप चारों तरफ का नजारा देखें तो आपको पहाड़ ही पहाड़, छोटे छोटे पहाड़ दिखाई देंगे और पूरी तरह से इस पूरी वैली को इन पहाड़ों ने घेर रखा है और इन पहाड़ों के बीच में आपको देखने को मिलता है वो संगम जिसे पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, जहां पर दो नदियों का संगम होता है। संगम वैली की अद्भुत सुंदरता के बाद अब हम आपको एक ऐसी आश्चर्यजनक जगह पर लेके आ गए हैं जो शायद गुरुत्वाकर्षण को भी फेल कर देती है। जी हाँ, इस जगह का नाम है मैग्नेटिक हिल जो लेह से करीब 28-30 किलोमीटर दूर है। जब आप लेह से श्रीनगर की तरफ निकलते हैं सबसे पहले आपको वो रोड दिखा दूं जो आपको बिल्कुल फ्लैट आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा और अमूमन आप देखते हैं अगर आप पहाड़ी के ढलान पर गाड़ी को खड़ा करते हैं तो आप उसको गियर पे रखते हैं ताकि गाड़ी नीचे की ओर ना आए, लेकिन ये फ्लैट सरफेस आपको मजबूर कर देता है कि आपकी गाड़ी अगर न्यूट्रल अवस्था में, इंजन बंद अवस्था में खड़ी है तो भी गाड़ी पीछे की ओर आना शुरू हो जाएगी और उसका कारण है मैग्नेटिक हिल्स। आइए दिखाते हैं आपको डेमोंस्ट्रेशन। कर्मा जी आपकी गाड़ी अभी चालू है? हाँ जी सर। अब इसको बंद कर दीजिए। ओके सर। बंद है गाड़ी? बंद है सर। तो अभी गाड़ी बंद हो गई है, न्यूट्रल गाड़ी कर दी है और अब आप देख सकते हैं इन्होंने जो है ब्रेक से भी पैर हटा दिया है। गाड़ी आप देख सकते हैं धीरे धीरे खुद ब खुद पीछे की तरफ जा रही है। बेहद हैरान करने वाली ये बात है कि गाड़ी बिल्कुल बंद है, इंजन बंद है, उसके बावजूद भी हम लगातार पीछे की तरफ जा रहे हैं। गाड़ी पर किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं है। ये बेहद आश्चर्यजनक बात है और बहुत सरप्राइजिंग है। मेरे ख्याल से यही कारण है कि जिसकी वजह से यहां पर जो लोग आते हैं दूर दूर से वो अचंभित कर देती है ये पहाड़ियां उन्हें। यही कारण है कि ये जो जगह है मैग्नेटिक हिल्स ये अपने आप में एक अद्भुत आकर्षण का केंद्र है। लद्दाख की जर्नी अभी जारी है। अगले एपिसोड में हम आपको इंडिया न्यूज के कैमरे से लेह, लद्दाख और करगिल के कुछ और अद्भुत नजारे दिखाएंगे और उस झील पर लिए चलेंगे जो आधी हिंदुस्तान में है और आधी पाकिस्तान में। वरुण धंता, लेह, इंडिया न्यूज़।